क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी प्रथा है जो संस्कृतियों और धर्मों में पाई जाती है, जो आपके जीवन को बदलने का वादा करती है। यह मंत्र जाप है, जिसे मंत्र भी कहा जाता है। क्या इन प्राचीन मंत्रों में वास्तव में रहस्यमयी शक्ति है या इसके पीछे कोई विज्ञान है? हिंदू धर्म के ओम से लेकर इस्लाम की लयबद्ध प्रार्थनाओं तक, गहराई में बौद्ध धर्म के ध्यानपूर्ण मंत्रों से लेकर संस्कृतियों ने दुनिया भर में दोहराए जाने वाले मंत्रों की शक्ति को अपनाया है। लोग मानते थे कि ये मंत्र उन्हें किसी शक्तिशाली से जोड़ते हैं, आशीर्वाद और शांति लाते हैं। विज्ञान एक दिलचस्प व्याख्या प्रदान करता है। जब आप बार बार जप करते हैं तो यह आपके मस्तिष्क को व्यायाम देने जैसा है। विशिष्ट क्षेत्र प्रकाशित होते हैं जो ध्यान केंद्रित करते हैं और विचलन को दूर करते हैं। एक मंत्र को मानसिक GPS के रूप में कल्पना करें। यह आपका ध्यान आपके वांछित परिणाम की ओर ले जाता है, चाहे वह साहस हो, करुणा हो या ध्यान। तनाव महसूस हो रहा है, शांति के लिए जप करें। साहस की आवश्यकता है, उसके लिए भी एक मंत्र है। मंत्रोच्चारण करके आप नकारात्मकता को दूर करते हैं, एक अधिक सकारात्मक आपके लिए जगह बनाते हैं। क्योंकि जब आपका मन साफ और सकारात्मक दृष्टिकोण होता है तो आप कार्रवाई करते हैं और वे कार्रवाई आपकी नियति को आकार देती है।